हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्टिन वाइटी। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ इजी थ्री फॉर्म्स फॉर बिगिनर्स। ये मेरी पहली वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लॉक लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के आगे एक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके आगे भी सेम उधर से भी कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे ना सेंड लगानी है 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम इधर भी करेंगे 3 4 6 7 8। और फिर उसके बाद इसको पूरा कवर कर देंगे ऊपर से, सेम जैसे नीचे वैसे सेम ऊपर करना है पूरा। और इसके आगे से एक ब्लॉक लगाएंगे और सेम उधर से भी लगाएंगे। इतना होने के बाद गाइस, दोनों साइड 8-8 पिस्टन प्लेस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद गाइस, दोनों साइड से इसको पूरा कवर कर देना, जैसे नीचे सेम वैसे ही ऊपर भी करना है, पूरा फिल कर देना है। दोनों साइड से कवर करने के बाद पिस्टन के पीछे ब्लॉक लगाना है फॉर रेडस्टोन। उसके बाद गाइस, यहाँ पर ऑब्जर्वर लगेगा, फेस उस तरफ होना चाहिए और पावर इस तरफ। और ऑब्जर्वर लगने के बाद पूरा इसको कवर कर देंगे साइड से और ऊपर से भी। कवर करने के बाद सामने से पूरा ब्लॉक लगा देना है, और सॉरी ग्लास लगाना है पूरा, आगे से पूरा फिल करना है ग्लास से। ग्लास लगने के बाद गैस अंदर आके वाटर बकेट डालने हैं दोनों साइड से, और बीच में यहाँ पर एक छेद कर देंगे होपर के लिए। और यहाँ पर शुगर केन लगानी है। शुगर केन लगने के बाद यहाँ पर दो ग्लास ब्रेक करेंगे, और यहाँ पर से 3 4 4 ब्लॉक हटाएंगे, और यहाँ पर होपर भी चेस्ट लगानी है। उसके बाद जो हमने पिस्टन के पीछे ब्लॉक लगाए थे उस पर रेडस्टोन कनेक्ट कर देंगे आपस में दोनों साइड से, और उसके बाद फार्म बनके रेडी। फॉर्म बनके तो रेडी हो चुका है, पर उसके बाद आप लोग की मर्जी, आप इसको कितना भी ऊपर बिल्ड करना चाहते हो। तो गाइस, फॉर्म तो फुल रेडी हो चुका है, फिर आप अब देख सकते हो कैसा लग रहा है ये फॉर्म। और अब हम थोड़ी देर के लिए इसके सामने एफ के जाते हैं, देखते हैं कितना कलेक्ट होता है 2-3 मिनट में। तो गाइस, मैं 3-4 मिनट से एफ के, चलो अब नीचे जाके देखता हूँ कितना कलेक्ट हुआ इसमें शुगर केन। तो आप देख सकते हो 1.5 स्टैक कलेक्ट हो चुका है इसमें। सो गाइस, हमें 8x8 ब्लॉक लगाने हैं चारों तरफ से, और फिर उसको अंदर से भी पूरा फिल कर देंगे। तो इतना होने के बाद गाइस, हमें दोनों साइड से स्टेयर्स लगानी है पानी स्टोर करने के लिए, दोनों साइड सेम करना है। सो गाइस, वाटर बकेट डालने के बाद हम उसके ऊपर ब्लॉक प्लेस करेंगे, जितने भी नीचे स्टेयर्स है सेम उसके ऊपर उतने ब्लॉक्स प्लेस होंगे। तो गाइस, ब्लॉक प्लेस होने के बाद हम यहाँ पर 8 डिस्पेंसर लगाएंगे, और उसके पीछे से हम वॉल लगा देंगे, ब्लॉक्स लगाएंगे सॉरी रेडस्टोन के लिए। फिर इसके बाद नीचे भी सेम ऐसे करेंगे जैसे ऊपर क्या था 8x8 का, सेम नीचे भी 8x8 का करना है सेम।
उसके बाद गए साइड से ना वॉल लगानी है, एक एक ब्लॉक लगा देना ताकि कुछ भी सामान बाहर ना जाए। वॉल लगाने के बाद जो हमने डिस्पेंसर के पीछे ब्लॉक्स लगाए थे वहाँ पर हम रेड स्टोन लगाएंगे और उसको फ्रंट तक लेके जाएंगे और वहाँ पर लगेगा लीवर फ्रंट में और यहाँ पर एक रिपीटर लगेगा। लीवर लगने के बाद गाइस हमें हर एक डिस्पेंसर में वाटर बकेट डालनी है और डिस्पेंसर के ऊपर से उसके बाद हम ब्लॉक्स लगा देंगे फॉर सेफ्टी। ब्लॉक्स लगाने के बाद हम पूरी डट पे हो मारेंगे और उसके बाद हम सीट प्लेस कर देंगे पूरी डट नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमें हो मारनी है। इतना होने के बाद यहाँ पर हम स्टोर करने के लिए होपर भी चेस्ट लगाएंगे और उसको भी साइड साइड से वॉल से कवर कर देंगे पूरा। सो गाइस फार्म इज रेडी, अब हम देखते हैं थोड़ी देर में आके फार्म चल रहा है कि नहीं। तो हम लीवर ऑन करके देखते हैं वाटर आ रहा है कि नहीं। देखो गाइस वाटर तो आ चुका है और ये सारा अपने आप जाके होपर में स्टोर हो जाएगा। और इतना याद रहे जो लीवर है इसको ऑफ करके वापस ऑफ नहीं होगा, इसको ऑन और ऑफ दोबारा करना है तब वाटर बकेट कलेक्ट होगी डिस्पेंसर में। देख सकते हो गाइस सामान अपने आप ही आते जा रहा है आते जा रहा है। तो फार्म बन के हो चुका है रेडी। सो क्या सबसे पहले हमें 4x3 में ब्लॉक हटाने और उसके बाद इसको डिक कर देंगे 4x3 का। और फिर सबसे पहले हम यहाँ पर एक चेस्ट लगाएंगे, उसके पीछे होपर कनेक्ट करेंगे और आपस में सारे होपर कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे लगेगा होपर के ऊपर लगेंगे स्लैब। फिर हमें यहाँ पर दो लैडर लगानी है और लैडर लगाने के बाद हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जो स्लैब के पीछे वाला ब्लॉक है ये वाला, यहाँ पर हम ब्लॉक प्लेस कर देंगे 1 2 3। फिर इसको दो दो ऊपर बिल्ड लेके जाएंगे 1 2 सेम इधर इधर और फिर एक दो यहाँ पर, दो इधर और दो इधर, सेम उधर भी ऐसे करना है। फिर उसके बाद हमें दोनों साइड से ट्रैप डोर लगाने 6 टोटल और फिर ट्रैप डोर खोल देना सारे। और ये साइड पे हम दो लैडर लगाएंगे एक एक, एक इधर एक उधर और फिर पीछे जाने के बाद हमें दो ब्लॉक यहाँ पर लगाने हैं, फिर उसके ऊपर फिर दो यहाँ पर लगाने, फिर यहाँ पर एक लैडर लगा देंगे ऊपर जाने के लिए और एक लैडर लगाएंगे यहाँ पर। फिर ये हमारा फार्म बन के तो रेडी हो चुका है। चलो लेट्स ट्राई करते कैसा चलता है फार्म। सो गाइस इतना याद रहे जहाँ पर ज़ॉम्बी फ्राइड पिगलिन होते हैं वहीं पे ये फार्म काम करेगा, यानी कि नेदर वेस्टेस में। तो गाइस देख सकते हो सारे अपने आप आते जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएंगे, हमें जाना है इधर से नीचे और फिर इनको मारेंगे फिर एक्सपे कलेक्ट करेंगे। तो गाइस ये एक्सपी के साथ साथ गोल्ड फार्म भी है, देखो आप देख सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।